नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल सिंह यादव की नई पार्टी के गठन को लेकर बयान सामने आया है। जालौन पहुंचे शिवपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी में सम्मान न मिलने पर उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया है। वहीं नई पार्टी का गठन उन्होंने मुलायम सिंह यादव की अनुमति लेकर ही किया है। बता दें कि झांसी में आयोजित एक कार्यक्रम में जाते समय जालौन के उरई स्थित जिला पंचायत भवन में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई है, जिसमें सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं और यह पार्टी उन्होंने नेताजी की इजाजत के बाद ही बनाई है। वहीं समाजवादी पार्टी से अलग होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा के में रहते हुए उनके पास कोई पद रहे बावजूद उनको किसी बैठक में नहीं बुलाया जाता। पार्टी के कुछ चपरासी जैसे नेताओं ने चुगलखोरी की है, जिसका यह परिणाम हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा में मुलायम सिंह यादव का भी सम्मान नहीं होता है। जब से उन्होंने यह पार्टी बनाई है, तब से पार्टी में उनका सम्मान होने लगा है। ये जो नई पार्टी बनाई है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो इसके साथ सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। नेताजी की इजाजत से ही हमने अपनी नई पार्टी बनाई। एक बार नहीं, नेताजी को मैंने 3 बार पूछा है, सभी पद रहे मेरे पास, उसके बाद भी मुझे पूछा नहीं जाता था, मुझे किसी बैठक में बुलाया नहीं जाता था। किसी जिले में जाए तो वहाँ के जो चपरासी है, नेता नहीं है, और उन्हीं के चुगलखोरों के कारतूसों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनकी बात मानी जाती है, अपमान। नेताजी को भी नहीं पूछा जा रहा, जब से मैंने पार्टी बनाई तब से नेताजी का सम्मान कुछ होने लगा। हाँ, सही। नहीं पर अमर ये सब जालौन से हमारे संवाददाता अनुज पाटकर की खास रिपोर्ट।